प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिवगिरी तीर्थयात्रा की नेवमी वर्षगांठ तथा ब्रह्म विद्यालय सुवर्ण जयंती संयुक्त समारंभ में लेशे भाग। आखू वर्ष चालनारा आ कार्यक्रम लोगोनुं प्रधानमंत्री करशे अनावरण। प्रख्यात समाज सुधारक नारायण गुरु मार्गदर्शन में कौमी एकता उद्देश्य साथ आ यात्रा की थी थी शुरुआत। रायसीना डायलॉग ना सातमा संस्करण नो आजे बीजो दिवस। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर लक्ज़मबर्ग नेधरलैंड नॉर्वे तेमज लुथियाना विदेश मंत्रीओनी साथे करशे मुलाकात। यूरोपियन यूनियन ना अध्यक्षा उर्सला वॉन डेन लियन ने मुख्य अतिथि तरीके रायसीना डायलॉग ना मंच पर करी हती भारतीय लोकतंत्र अने प्रधानमंत्री नी प्रशंसा। नाणामंत्री निर्मला सीतारमणे सैन फ्रांसिस्को में डिजाइनिंग प्रौद्योगिकी तेमज उपकरण ने लगता सेमीकंडक्टर उद्योग जगतना माधानताओनी साथे करी राउंड टेबल कॉन्फरेंस। योग्य नीति साथे आगामी दायको भारतनो होवानी व्यक्त करी प्रतिबद्धता। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नवी दिल्ली ना राष्ट्रीय मीडिया केंद्र खाते करशे आज़ादी की अमृत महोत्सव की कहानियों लघु वीडियो संग्रह लॉन्चिंग। नेटफ्लिक्स सहयोग थी बनावामां आवी रह्यो छे आ लघु वीडियो। ट्विटरना नवा मालिक बन्या विश्वना सौथी धनाढ्य एलन मस्क। 44 अरब डॉलर में एलन मस्के खरीद्यु ट्विटर। आ सौदानी घोषणा करता एलन मस्के ट्वीट करीने कह्युं कि बोलवानी स्वतंत्रता कामकाजी लोकशाहीनो छे एक आधार। कंडला हेरोइन केस में डीआरआईए पंजाब थी एक व्यक्ति की करी धरपकड़। भूजनी एनडीपीएस कोर्ट में रजू कराता कोर्टे 10 दिवस रिमांड कराया मंजूर। तो बीजी तरफ कच्छना जखौ पास थी ₹280 करोड़ हेरोइन झड़पी लेती भारतीय कोस्टगार्ड और गुजरात एटीएस की टीम। गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवीए कहू कि आ पाकिस्तान ड्रग्स नेटवर्क पर गुजरात पुलिस कोस्टगार्ड और एनसीबी की दरियाई स्ट्राइक। राज्य में सतत वधती गर्मी। अमदावाद में आज थी 4 दिवस माटे ऑरेंज अलर्ट नी हवामान विभाग की आगाही। आगामी 27 अने 28 एप्रिल अमदावाद सहित उत्तर गुजरात में रहेशे हीटवेव। तो सौराष्ट्र ने कच्छ में आगामी 5 दिवस सुधी येलो अलर्ट। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नो आज त्रीजो दिवस। बीजा दिवस की स्पर्धा में मद्रास युवती वर्षा तेमज बेंगलुरु युवके तरण स्पर्धा में मेळव्यो सुवर्णचंद्रक।